वीके न्यूज राष्ट्र के नाम के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात यह हो रही है कि भारत के लिए जो गद्दार है वो सिद्धू का यार कैसे हो सकता है, और कांग्रेस हिंदुत्व पर वार और इमरान से दिखा रही है प्यार, ये कैसे है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए लखपत बुटेला जी, कांग्रेस से ब्रेक से पहले वो कुछ कहना चाह रहे थे। बुटेला साहब आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपने कहा कि निजी बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, लेकिन यही नहीं, निजी व्यक्तिगत बयानों का बड़ा मायने निकाले जाते हैं बाद में। आपकी ओर से कहा जाता है, आपके एक नेता कहते हैं कि हिंदुत्व तो बोको हराम और ISIS जैसी विचारधारा है, तो ये बयान जो है, और इमरान के लिए आप प्यार दिखाते हैं, वो कहते हैं कि वो तो बड़ा भाई है, तो ये जो बयान है आपके कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल में डालने वाले। बोलिए अब देखिए जी, संजीव जी ने जो बात है कही, निश्चित रूप से ये नया भारत है जहां दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे को मार देती है। ये नया भारत है जहां सारे पड़ोसी राज्यों से आज नेपाल तक हमें आंख दिखा रहा और हिंदुस्तान के अंदर अपना दावा ठोक रहा है। ये वो नया भारत है जिसके अंदर जिनपिंग से 17 बार प्रधानमंत्री मिलते हैं और चाइना हमारे अंदर क्या कॉलोनिया बसा देता है। ये वो नया भारत है, स्टैंड अलोन स्टार्टअप में 90 से 97% का इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर है। ये नया भारत है जहां बड़े बड़े जो हमारे सरदार पटेल की पुराने भारत से मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, पुराने भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता। आपने किस भारत का निर्माण किया था अपने कार्यकाल में? आपने ऐसे भारत का निर्माण किया था जिसमें अफजल गुरु को फांसी होने पर आंसू बहाए थे? आप भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं? मुंबई के हमलों के बाद 47% के बाद गरीबी की रेखा होगी, ये वही नहीं है भारत, 166 लोग मारे गए थे। अरे सुन लीजिए, नहीं नहीं बुटेला साहब ये ठीक है, आपने उदाहरण दिए, कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं हो सकता, हर राष्ट्र में कुछ न कुछ कमियां होती है लेकिन अच्छाइयां भी होती है। अगर आप नए भारत की बात करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का राज रहा, सीमा पर क्या हाल थी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से इसलिए इनकार कर देते थे कि पड़ोसी नाराज हो जाएगा, सड़क हम बना देंगे तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा, आप सड़कें नहीं बनाते थे, ये तो हाल था ना कांग्रेस का, ये मानेंगे आप? चीन की सीमा पर सड़कें क्यों नहीं बनाती थी कांग्रेस, बताइए, कहते हैं चीन नाराज हो जाएगा। अरे सुन जी, आप सुनेंगे जी, मैं चमोली के, जो चमोली चाइना से जो बॉर्डर लगता ना बड़ा होती, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जी, सड़क कब गई है वहाँ? ये सरकार लेके गई सड़क, 1970 के दशक में सड़क चली गई जी, और आप कह रहे हैं आप पे सड़क नहीं थी? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं कहां की बात कर रहा हूँ ये समझ रहे हैं सर आप? आज जो सड़कें बना रही है मोदी सरकार वो कहां बना रही है? वो चीन में बना रही है। सुन लीजिए हाँ, मैंने कहा ना कि बड़ा होती चाइना से लगता हुआ, जहाँ चाइना 5 किलोमीटर अंदर आ गया दो दिन 3 दिन पहले, वहाँ तक सड़क। मैं ये जानना चाह रहा हूँ साहब कि जो BRO जो सड़कें बना रही है वो कहाँ बना रही है? वो चीन में बना रही है, भारत में बना रही है? एक सांसद संसद के अंदर कहते हैं कि चाइना अंदर घुस गया है, 2020 में संसद के अंदर कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी चाइना का आज तक एक बार नाम ले लिया मेरे प्रधानमंत्री ने? एक बार नाम नहीं लिया। और मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ कि जब नए भारत की बात होती है तो भारत के अंदर ये डीजल और पेट्रोल क्रूड ऑयल जब $18 पर बैरल आया तो 100 के पार नहीं पहुंचता, 47% बेरोजगारी दर पे नहीं होता, केंद्रीय मंत्री किसानों को रोन के नहीं चले जाता। ये नया भारत वो नया भारत है जो चैनलों पे दिखता है, जो नया भारत है जिसने सुन लीजिए अंदर इंजेक्शन 180 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे, नया भारत है जो छवि चैनलों पे दिखाए जा रहे हिंदुस्तान के उसके उलट है। 27 करोड़ गरीबी के रेखा के नीचे 2014 में थे, आज वो 57 करोड़ चले गए। चलिए चलिए विषय पर आते हैं बुटेला साहब विषय पर आते हैं, आप सही कह रहे हैं ये नया भारत है। नहीं बुटेला साहब आप सही कह रहे हैं कि नया भारत है, यहाँ अगर देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है तो सिद्धू साहब कह सकते हैं कि चील कौवे मार के आए हैं, ये नया भारत है। इसमें ऐसी विपक्षी नेताओं को छूट है कि वो कह दे कि चील कौवे मार के आए, पेड़ मार के आए, ये आप ही के नेता ने कहा था ना सेना ने जब स्ट्राइक की थी।
सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने तब भी किया जब बांग्लादेश को अलग कर दिया, 95,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने तब जब सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाया, सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने तब किया जब चलिए विषय पर आते हैं बुटेला साहब, विषय पर आते हैं। आपने जो भी सवाल उठाया उसका एक का जवाब नहीं दिया। विषय पर आते हैं ना सर, देखिए देखिए हर मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, उस दिन बोल लीजिएगा। आज विषय सिद्धू साहब है, सिद्धू साहब को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है, क्या रिश्ता है सिद्धू साहब का पाकिस्तान से, क्या राहुल गांधी के इशारे पर हो गए थे, ये सवाल है। आप उन सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के सवाल है। वो कांग्रेस के इशारे पर भी किया है, इस बात पर नहीं नहीं ये बताइए। चलिए चलिए वो छोड़िए, मैं आपका कांग्रेस का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते खुले होने चाहिए, पंजाब और पाकिस्तान के बीच व्यापार शुरू होना चाहिए, ताकि जो ड्रोन से हथियार डाले जा रहे सीधे सीधे आने लगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या व्यापारिक रिश्ते खोल देने चाहिए, वो बॉर्डर खोल देनी चाहिए ताकि सीधा सीधा चरस अंदर आ जाए, ड्रोन से जो हथियार आ रहे हैं वो सीधे लेके आ जाए, घुसपैठ सीधी होने लगे। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपका क्या स्टैंड है जी? मुझे 40 सेकंड दीजिएगा, जी जी, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं 40 सेकंड जी जी बोलिए। तो पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर 1,000% चाइना का व्यापार हो रहा है, चाइना गलबैया कर रहा है हमारे साथ, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर जो सवाल आप पूछ रहे हैं विषय पे रहिए ना, आज के विषय पे जवाब दीजिए। सिद्धू का जो स्टैंड है क्या वो आपका स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है, क्या व्यापारिक रिश्ते खोलने चाहिए? हमारा स्टैंड तो क्लियर है कि उड़ा दो चाइना को, चाइना को उड़ा, पाकिस्तान को उड़ा दो। अरे सर वो तो MOU है आपका, वो बताते हैं कि MOU कर रखा है आपकी पार्टी ने। कांग्रेस ठोकने में भी, स्वास्थ्य शक्ति तोड़ने में भी, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कांग्रेस ने किया, इन्होंने नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा आप जी। और ये देश के 567 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान कांग्रेस इससे कोई इनकार नहीं कर रहा सर, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई ये थोड़ी कह रहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, लेकिन जो गलत किया उस पे सवाल उठते हैं। जो आपने अच्छे आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी को, क्योंकि उन्होंने वैसे फैसले लिए, लेकिन आज आज के सवाल पे जवाब दीजिए आप जी। बुटेला साहब देखिए बहुत लंबे वक्त से आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, नेहा नेहा जी कुछ कहना चाह रही है, नेहा जी को मैं मौका दूंगा, बहुत लंबे वक्त से आप बोल रहे हैं, नेहा जी बोलिए। मुझे तो ये लग रहा है कि ये डिबेट केवल और केवल लखपत जी को बोलने के लिए ही कराई गई थी। नहीं बुटेला जी नेहा जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए बुटेला जी सुन लीजिए। हाँ नहीं मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा, सुन लीजिए सर, बुटेला जी बहुत देर से बोल रहे हैं आप सवाल के, नेहा जी को कुछ सुन लीजिए। हाँ हाँ सुन लीजिए अब, लखपत जी सुनिए नेहा जी को। हाँ लखपत जी चुपचाप एक बात ये सुनिएगा, हमने आपको बहुत देर तक सुना है, आपका फेडर डाउन है लखपत जी, सुनाई नहीं जा रहा है, सुन लीजिए मैं मौका दूंगा आपको, एक एक करके बोलिए लखपत जी। हाँ सिद्धू साहब ने जो भी बयानबाजी की ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि ये पाकिस्तान का महिमामंडल आज ही नहीं, आज से पहले जितनी बार भी सिद्धू साहब पाकिस्तान गए उन्होंने पाकिस्तान का महिमामंडल किया, इमरान खान का महिमामंडल किया। ये मैं डंके की चोट पर ये बात कह सकती हूँ कि ये कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के शह पर ही ये काम हुआ है, ये उनके कहने पर ही बयानबाजी हुई है। चाहे सलमान खुर्शीद की बात हो, चाहे राशिद अलवी की बात हो, चाहे मणिशंकर अय्यर की बात हो, और चाहे वो खुद राहुल गांधी ही क्यों ना हो, वो हमेशा इस तरह की बयानबाजी करते आए हैं और वो हिंदुत्व को नीचा दिखाने का काम हमेशा करते आए हैं। चाहे वो राम नाम लेने वाले निशाचर जैसी टिप्पणी हो, और चाहे वो सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं की बटाला हाउस से एनकाउंटर के आरोपियों के लिए तो उनकी आंखों में आंसू नजर आ जाते हैं, लेकिन अफजल गुरु को 7 सालों तक भी फांसी नहीं हुई, इस पर उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपकता। क्यों? क्योंकि अफजल गुरु जो है वो पाकिस्तान की भूमि से आते हैं। क्या अफजल गुरु को ये अपना मानते हैं, पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम और स्नेह ये दर्शाते नहीं आए भारतवासियों के सामने? और जो बात मैं आ रहा हूँ बुटेला साहब आपके पास आ रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, एक एक करके बोले हम, एक एक करके। हाँ ये पंजाब की धरती को और खराब करने, लहू लहान करने, पंजाब की धरती को नशे की गिरफ्त में डालना और पूरे भारत में आतंकवाद का प्रचार प्रसार करने की ही
स्ट्रेटेजी और प्लान है और इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है, कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की ही नीति है। और जितनी बात अभी लखपत जी ने की वो विषय से भटकने की बात थी, इन्होंने इस बात के ऊपर जवाब नहीं दिया कि एक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ये बात पड़ोसी मुल्क के लिए बात करते हैं, जो पड़ोसी मुल्क भारत को घृणता से देखता है, घृणा की दृष्टि से देखता है। और इंटरनेशनल लेवल पर संजीव जी ने अभी आपको इतने डिटेल में बताया कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जो पड़ोसी मुल्क भारत की बेइज्जती करता है और एक भारत का ही एक पार्टी का नेता पड़ोसी मुल्क में जाकर उनका मनना वो कहां तक बात आपको जारी दिखा रहा है। हमारे अफगानिस्तान से संबंध क्यों खराब हुए, रशिया से संबंध क्यों कमजोर पड़े, इसका जवाब कौन देगा? रशिया से संबंध कमजोर पड़े, 8 साल में पड़े हैं, किसने कमजोर किया? संबंध के प्रति सम्मान आपकी दृष्टि में नहीं है, राष्ट्र के प्रति प्रेम आपकी दृष्टि में नहीं है, हिंदुत्व के प्रति प्रेम आपकी दृष्टि में नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनते हैं और अपने देश के ही सम्मान और अपने देश के प्रति सम्मान और देश के प्रति जो आपकी बात होनी चाहिए वो आप नहीं रख सकते। अरे बाबू के हत्यारे को देखिए, जब इमरान खान जैसा शख्स गोडसे की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता हो कि आपके कांग्रेस के एक नेता ने तो उन्हें महान हिंदुत्ववादी बता दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आपको शायद पता हो ना, वो उन्होंने गोडसे को महान हिंदुत्ववादी बताया है। अब तो कांग्रेस भी गोडसे की पुजारी हो गई है। जी 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 आपके पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है सर, आपके पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है प्रमोद कृष्णन। प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि वो बहुत बड़े हिंदुत्ववादी थे। बहुत हिंदुत्व की बात करेंगे, मुझे वंदे मातरम की दो लाइनें बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, दो वंदे मातरम की दो लाइनें किससे बुलवाना है? बहुत राष्ट्र प्रेम, बता दीजिए, पूछ दीजिए इनके प्रवक्ता को किससे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान आता नहीं आता है? किससे पूछ रहे हैं ये बात आप? नहीं नहीं, नेहा जी कह रहे कि आप राष्ट्रगान नहीं आता है आपको, ये बात आप आपकी 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 सोच और समझ मुझे किसी और ही जगह की लग रही है, किस और विचारधारा के लग रहे हैं? बता पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रगीत के दो लाइन नहीं बता पाएंगे इन्हें, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान में पता नहीं होगा अंतर क्या है। ये हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये लफाई नहीं चलेगी मैडम जी। कांग्रेस ने इस देश को बनाने में बलिदान दिया, अपना खून बहाया है, अपना लहू दिया इस देश के लिए, इस देश को 565 या 600 मिला के हिंदुस्तान बनाया है। हमें पीड़ा है हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान की कोई दर्द होता हमें पीड़ा होती है, यदि देश के अंदर कोई घुसता है तो हमें पीड़ा होती है। और इसलिए हम बात करते हैं तुम्हारी लफाजी की वजह से देश आज पीछे जा रहा है। आपने लोगों को बना बनाकर 80 करोड़ लोगों को सड़कों पे लाने का काम कर दिया, इनकम टैक्सपेयरों की संख्या कम हो गई, जीडीपी से ज्यादा देश के अंदर कर्जा हो गया, 37 PSU को देश के बेचा गया है, ये सर कौन जवाब देगा? 37 PSU देश के बेचे गए, क्या मतलब कह रहा हूँ? गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की संख्या बढ़ी है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इनकम टैक्सपेयरों की संख्या घटी है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ बताएं, हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है तो ये विकास हो रहा हिंदुस्तान का? लखपत जी आप विषय पर जवाब ही नहीं देते, आपसे कोई सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब ही नहीं देते हैं। अरे सवाल तो नए भारत की बात हो रही है, मैं देखते हैं लोग गरीबी की रेखा के नीचे आए नहीं, आज गरीबी पर बहस नहीं है लखपत साहब, आज सिद्धू साहब पर बहस है। आपको बताया नहीं आज सिद्धू साहब पर बहस है? आप सिद्धू साहब पर तैयारी करके नहीं आया लगता है, आज उस पर जवाब देना है सर। सिद्धू के बयान से रोजगार नहीं मिलता है? जी सिद्धू के बयान से स्वास्थ्य और शिक्षा में नहीं नहीं, वो आपकी पार्टी के नेता है सर, उन्होंने कुछ कह दिया है, कांग्रेस बचाव कर रही है, क्या कांग्रेस इन्होंने 79% आज जो इनका केंद्रीय मंत्री किसानों को रोन के चले जाते इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? आज सर किसान पे बहस नहीं है, पाकिस्तान से इतनी सहानुभूति क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं दे रहे। चलिए मैं आ रहा हूँ, दोनों प्रवक्ताओं से मैं कहूंगा, बाकी भी मेहमान है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही नहीं है, और भी लोग हैं उनसे भी ले लूंगा। बुटेला साहब फेडर मुझे डाउन करने पड़ेंगे, दोनों के फेडर डाउन करने पड़ेंगे। सुनिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनका तो सम्मान करिए। संजय पांडे जी मैं समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो नेता है ये पाकिस्तान से इतनी सिंपथी क्यों होती है? जब भी पाकिस्तान पर कोई सवाल उठाइए आप पूछिए तो जवाब देने की बजाय इधर उधर भागने लगते हैं। संजय जी सुनील जी
सर्वप्रथम ये हमें समझना पड़ेगा कि जो प्रकरण जिस प्रकरण में बातचीत हो उस पर अगर बातचीत हो तो काफी अच्छा रहता है जी। ये कुल मिलाकर की ये बिल्कुल देखिए स्पष्ट है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो एक एजेंडा होता है या फिर उसकी सोच होती हो जो उसके वरिष्ठ नेता होते हैं कम से कम वो इस तरह का स्टेटमेंट मतलब ये जो स्टेटमेंट हुआ जो जिस तरह से प्रकरण हुआ वह प्रकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वह प्रकरण आपने जो कहा तो वो प्रकरण कहने के बाद उसका क्या साइड इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा ये चीज तो पता होना चाहिए ना कि मतलब आपको देखो तो ये कहने का तात्पर्य है कि कोई भी राजनेता हो या जो किसी राजनीतिक पार्टी का जो एक मेनस्ट्रीम का लीडर हो तो कम से कम वो अपना जो भी एक ऐसी बातें तो कम से कम एक बहुत तरह की बातें हर राजनीतिक पार्टी में अनुशासन कमेटी बनी हुई है या चीज है लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग प्रकरण समझते क्यों नहीं मतलब और कुछ नहीं है आप जो है अगर हम राजनीति करते हैं तो कम से कम आप पिछली घटना भर का डायरी तो कीजिए अगर डायरी भी अगर मेंटेन करेंगे तो स्टेटमेंट देने से पहले हमको लगता है कि थोड़ा सोचेंगे आप डायरी मेंटेन कीजिए और मुझे तो लगता है कि सबको घटना जो जो देश विदेश में घटना घटती है कम से कम उसको नोट करने चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल संजय जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि बुटेला साहब समझने को तैयार नहीं हो कह रहे कि उनका निजी बयान हो सकता है लेकिन उनका ये बयान अंतरराष्ट्रीय मंच पर कितने बड़े भारत के लिए डैमेज कर सकता है समझ नहीं रहे क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है कि स्पॉइलर है भारत लेकिन भारत के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है तो भारत की छवि तो यही बन रही है कि पाकिस्तान जो कह रहा सही है भारत के लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है वो तो बड़ा भाई है तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान के लोग देखिए भारत के लोग तो हमें अच्छा मानते हैं दिक्कत तो भारत में है ये समझ नहीं पा रहे बुटेला साहब जी सर मैं आ रहा हूँ नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ मेरा तो ये कहना है कि चाहे नेहा जी वगैरह जी मतलब हम लोगों को चुके देखिए अभी कोरोना काल से हम लोग अभी धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर से चले जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मिलजुल करके थोड़ा अभी मुझे लगता है कि कुछ जल्दीबाजी है लेकिन थोड़ा सोच समझ करके कुछ काम करें कुछ हम लोग अभी राष्ट्र को थोड़ा मजबूत करें। चलिए चलिए मैं नेहा जी आपके पास आऊंगा। मैं संजीव जी से कमेंट लेना चाहूंगा। संजीव जी पंजाब बड़ा सेंसिटिव स्टेट है मैं चूंकि विदेश मामलों के आप जानकार है इसलिए मैं आपसे जाना पंजाब बड़ा सेंसिटिव स्टेट है पंजाब ने क्या क्या नहीं झेला है ये सबको पता है और पंजाब पाकिस्तान से चूंकि लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती रहती है कि सिद्धू साहब पंजाब के लिए ठीक नहीं है क्या इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए पंजाब में पाकिस्तान अपने आतंक के पैर पसारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट 2017 से चल रहा है उसके बाद से आतंक की कमर जम्मू एंड कश्मीर में तोड़ी जा चुकी है और अभी इस समय पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भारत के अन्य राज्यों में और खासकर जो पंजाब का जो राज्य है वहां पर वो आतंकवाद को पैदा करे खालिस्तान जैसे मूवमेंट को फिर से खड़ा करने की साजिश रच रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि पाकिस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में उसे किसी तरीके की बड़ी सफलताएं नहीं मिल पा रही है। वो सॉफ्ट किलिंग तो उतर आया है वो निर्दोष लोगों की हत्याओं पर उतर आया है और अब उसे भी टारगेट करके उसे भी नेस्तनाबूद भारत की सुरक्षा एजेंसी कर रही है तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पाकिस्तान पंजाब में साजिशें रच रहा है और पाकिस्तान में जाकर के जो पंजाब के बड़े नेता के द्वारा इस तरीके का बयान दे करके जाहिर है कि वो पंजाब के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान इस तरीके के बयानों का एक्सप्लॉयटेशन करने से नहीं चूकेगा क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र ही ऐसा है कि वो इस तरीके कि जो भी कभी भी आप उसके प्रति कोई सॉफ्ट स्टैंड लेंगे तो उसके ऊपर वो वार करता है वो पीछे छुरा घोंपने में माहिर है छुरा घोंपने में माहिर है पाकिस्तान। जी जी समय की मैं कमी है 30 सेकंड नेहा जी 30 सेकंड आपके पास है आप जो कहना चाह रहे हैं मैं बुटेला साहब आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी 30 सेकंड बिल्कुल सही कहा है ये हम सब भारतवासियों की सोच है कि पाकिस्तान जो है पीठ पे छुरा घोंपते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि अगर सिद्धू साहब को बोलने का मौका मिला था तो वो इमरान खान की जो बढ़ाया उनकी बढ़ाई में जो उन्होंने शब्द बताए इसकी बजाय अगर वो पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर ये बात पूछते कि पाकिस्तान में हिंदुओं की दयनीय स्थिति क्यों है वो अपने बड़े भाई से पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति कुछ अच्छा काम करने के लिए उनके प्रति दया दृष्टि रखने के लिए बात क्यों नहीं कह रहा है क्यों मंदिर जी 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 बिल्कुल नेहा जी मैं ले रहा हूँ। बुटेला साहब बुटेला अब तो आप समझ गए होंगे कि उनका जो बयान है किस तरह से भारत को डैमेज कर सकता है और जो नेहा जी ने बात की अगर आप किसी देश की धरती पर गए हैं तो आपको उसको तो आईना दिखाना चाहिए आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। जी देखिए नेहा जी बुटेला जी बोल रहे हैं। हाँ के साथ में
देश के लिए कांग्रेस ने दो दो प्रधानमंत्री को खोया है, हमारे सर फिर आप वही बात करें, क्यों कोई इनकार नहीं कर रहा, आज पे बात करें सर, ये बात कहेंगे पहली बार। लेकिन ये जरूर करतार का जो कॉरिडोर है खोला है, नेहा जी का फेडरल डाउन किया, नेहा जी बस 30-30 सेकंड सबको, बुटेला साहब बोल रहे हैं खोला गया है, उसमें हमारे हरदेवपुरी जी हो चाहे वो सिद्धू जी हो, सब लोगों ने मिलकर के उसको खोलने का काम किया। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये बयान नहीं है, इस तरह की बातों का कांग्रेस समर्थन भी नहीं करती है, लेकिन मैं ये कह देता हूं कि राजनीति केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के विवादित बयानों से केवल और केवल अपनी विफलता छुपाया थी, ये मैं समझता सरकार का बहस के अंत में कम से कम आप मानेंगे और आप सिद्धू साहब को इस मंच से वीके न्यूज के मंच से उनको नसीहत देंगे कि इस तरह के बयान देने के बजाय उनको वहां पाकिस्तान को आईना दिखाना चाहिए था, लेकिन आप अंत तक नहीं माने। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल देश का है में आज हमने सवाल ये उठाया कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर सिद्धू साहब के लिए इमरान बड़े भाई हो गए कैसे, और एक गद्दार यार कैसे हो सकता है। फिर हाजिर होंगे सोमवार को एक नए सवाल के साथ, तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।